नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहारी न्यूज। मैं हूं आपके साथ अभय विशाल। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में सिमरी बख्तियारपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी पार्टी एनडीए गठबंधन का हिस्सा है और भाजपा ने अपने कोटे के 121 सीटों में से मुकेश सहनी की पार्टी को 11 सीटें दे डाली है। अपने आप को सन ऑफ मल्लाह कहने वाले मुकेश सहनी इस बार भाजपा का विश्वास जीतने में कामयाब हो गए हैं। इससे पहले मुकेश सहनी महागठबंधन में शामिल थे, लेकिन तेजस्वी यादव पर हमला बोलकर और अपने छुरा घोंपने वाले बयान के कारण सहनी बीजेपी का विश्वास जीतने में सफल रहे। मुकेश सहनी को लगता है कि उनकी पार्टी को मल्लाह और निषाद वोटों पर पूरी पकड़ है। मुकेश सहनी 2015 में भाजपा के साथ थे, लेकिन 2019 में वो महागठबंधन में चले गए थे। महागठबंधन के प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुकेश सहनी ने बगावत कर दी थी। ऐसा माना जा रहा है कि मुकेश सहनी ने यह बगावत भाजपा के कहने पर की थी। महागठबंधन में मुकेश सहनी खुद को उप मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित कर चुके थे, लेकिन इसके बाद उन्होंने बगावत कर दी और तेजस्वी यादव पर आरोप लगाया कि तेजस्वी यादव ने उन्हें धोखा दिया है। मुकेश सहनी ने कहा था कि तेजस्वी ने उनके पीठ में छुरा फूंकने का काम किया है। आइए जानते हैं मुकेश सहनी के राजनीतिक सफर के बारे में। मुकेश सहनी राजनीति में आने से पहले सेल्समैन का काम करते थे। सहनी फिल्मी दुनिया में काम करना चाहते थे, इसके लिए वो 19 वर्ष की उम्र में घर से भाग गए और मुंबई में सेल्समैन की नौकरी करने लगे। कुछ दिनों तक सेल्समैन का काम करने के बाद मुकेश सहनी टीवी सीरियल, टीवी शो और फिल्मों का सेट बनाने का कारोबार करने लगे। मुकेश सहनी ने शाहरुख खान की फिल्म देवदास के लिए सेट बनाया था। नितिन देसाई ने उन्हें देवदास फिल्म के लिए सेट बनाने का काम दिया था। मुकेश सहनी ने सिने वर्ल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी स्थापित किए और अपनी मेहनत और लगन के बदौलत अच्छा पैसा कमाने लगे। मुकेश सहनी ने अचानक से 2019 में राजनीति में रुचि लेना शुरू कर दिया। दरअसल बिहार में मल्लाहों का काफ़ी ज़्यादा वोट है और मुकेश सहनी ने इसको भांप लिया था। इसके लिए वो खुद को सन ऑफ मल्लाह बोलकर राजनीति में अपनी किस्मत आजमाने निकल पड़े। मुकेश सहनी का राजनीति में अच्छी पकड़ थी और पैसा उनके पास पहले से ही था, ऐसे में वो बड़ी आसानी से राजनीति में शामिल हो गए। मुकेश सहनी ने 2018 में विकासशील इंसान पार्टी के नाम की एक पार्टी बनाई। मुकेश सहनी की पार्टी का चुनाव चिन्ह भी पानी में तैरती नाव है। सहनी ने 2019 के लोकसभा चुनाव में खगड़िया सीट से चुनाव लड़ा, लेकिन मोदी लहर की वजह से जीत हासिल करने में कामयाब नहीं हो पाए। इस बार मुकेश सहनी भाजपा के सहयोगी दल के रूप में बिहार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं और यह उनके लिए बड़ा ब्रेकथ्रू साबित हो सकता है। भाजपा के साथ होने का फायदा इस बार मुकेश सहनी और उनके पार्टी को किस हद तक मिलेगा, यह तो अब 10 नवंबर को ही पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। बिहार की हर छोटी बड़ी खबरों से रूबरू रहने के लिए देखते रहिए बिहारी न्यूज़। धन्यवाद।